हेलो दोस्तों, रूहानाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डोरमेट का एक और वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारा डोरमेट है, बहुत ही कलरफुल और जल्दी बनके ये तैयार होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए ये हमने 32 फंदे ये सिलाई में ले लिए हैं। तो देखिए, पहली सिलाई से हमें अपने डिजाइन शुरू कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल बुनाई है। उल्टे फंदे उतारते हुए सारे फंदे हम दूसरी सिलाई में करेंगे, आखिरी के दो फंदे बिना बुने यहाँ छोड़ते हुए। तो देखिए, दो फंदे यहाँ मैं बिना बुने छोड़ दूंगी। धागे को दूसरी तरफ करेंगे और सामने की साइड से बुनाई कर लेंगे। तो देखिए, सामने की साइड से बुनाई करते हुए भी जिस तरह से हमने दो फंदे बिना बुने छोड़े थे, इस तरफ भी हमें दो फंदे बिना बुने छोड़ने हैं। तो देखिएगा आप, तो देखिए दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें दो दो फंदे दोनों तरफ से बिना बुने छोड़ते हुए जाना था। इसलिए आप फंदे जो है 2 के मल्टीपल में ही लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ 32 लिए हैं, तो आप चाहे तो 50 लीजिए, बड़ा बनाना चाहते हैं तो 40 लीजिए। हमें फंदे यहाँ पे 2 के मल्टीपल में ही लेने होंगे। तो ये देखिए, पहले जहाँ दो फंदे बिना बुने छोड़े थे, इस बार दो और फंदे हम यहाँ बिना बुने छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये 4 फंदे ये हमारे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरफ दो दो फंदे बिना बुने छोड़ते हुए जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4-4 फंदे दोनों तरफ छोड़ दिए हैं। और इसी तरह से दो दो करते हुए ये फंदे मैं छोड़ दूंगी, यानी कि आधे तक, यानी कि 16-16 फंदे जब तक ना कर लो। तो देखिए, ये यहाँ पे मैंने दोनों सिलाइयों में 16-16 फंदे कर लिए हैं। अभी बाकी छोटी कली की बुनाई यहाँ पर चलेगी। ये देखिए, यहीं से हम अपना दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारे 16 फंदे हैं, उनमें हमें ये दूसरा कलर डाल लेना है। ठीक है, सारे फंदे मैं दूसरे कलर से ये बुन लूंगी। और यहीं से हमारी छोटी वाली कली की बुनाई शुरू हो जाती है। तो फंदों की संख्या आप कुछ इस तरह से लीजिएगा कि छोटी वाली कली के लिए भी हमें 2 के मल्टीपल में फंदे मिले, क्योंकि यहाँ भी हमें दो दो फंदे छोड़ते जाना है। ये आपको आगे की बुनाई में बताएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे फंदे मैंने दूसरे कलर से देखिए बुन लिए हैं। तो देखिए, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहीं पे हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। तो देखिए, ये देखिए, ये हमने एक फंदे से दो फंदे कर लिए हैं। तो बाहर की तरफ हमें एक फंदा बढ़ाना है और अंदर की तरफ जब बुनाई करते हुए हम जाएंगे, तो हमें दो फंदे बिना बुने यहाँ छोड़ने हैं। तो ये देखिएगा आप, तो ये देखिए, दो फंदे हमें बिना बुने छोड़ दें, धागे को दूसरी तरफ करेंगे और सामने की साइड से बुनाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे मेरे पास 16 फंदे हैं, तो बाहर की तरफ मैं 4 फंदे बढ़ाऊंगी, दो दो करते हुए 8 फंदे बिना बुने छोड़ूंगी। ये देखिए, एक और बार मैं आपको फंदा बढ़ाना बता रही हूँ। तो देखिए, पहला फंदा बिना बुना उतार लेंगे और एक ही फंदे को हमें पहले धागे को सामने की तरफ करके और फिर पीछे की तरफ करते हुए हमें बुन लेना है। तो इस तरह से हमारे एक फंदे के दो फंदे हो जाते हैं। ये मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में भी आपको बताया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दो और फंदे हम बिना बुने यहाँ छोड़ देंगे। तो ये देखिए, 4 फंदे ये हमारे हो जाते हैं। ये देखिए, इसी तरह से मैं दो दो करते हुए अंदर की तरफ ही 8 फंदे छोड़ दूंगी और बाहर की तरफ 4 फंदे बढ़ा लेती हूँ। तो देखिए, ये यहाँ मैंने आधी बुनाई इसकी कर ली है, 8 फंदे यहाँ हमने छोड़ दिए और 4 फंदे ये बढ़ चुके हैं। अभी देखिए, मैं फंदे यहाँ घटाऊंगी, तो पहला फंदा वही बिना बुना उतारेंगे और अभी दो फंदों का एक फंदा करूँगी। तो बाहर की तरफ हमें दो फंदों का एक फंदा यानी फंदे घटाने हैं, और जिस तरह से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए आ रहे थे बिना बुने, उसी तरह से हमें दो फंदे और अंदर की तरफ जाते हुए छोड़ने हैं। यानी कि 16 फंदे जो हमारे हैं वो इसी तरह से दो दो करते हुए हमें छोड़ते हुए जाना है। तो ये देखिएगा, ये दो और फंदे हम यहाँ छोड़ देते हैं बिना बोले। देखिए, एक और बार यहाँ मैं फंदा घटा के बता रही हूँ आपको। तो पहला फंदा वही हम बिना बिना उतारेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। तो इसी तरह से मैं बड़े हुए फंदे हैं उनको दो दो करते हुए। तो घटा लूंगी और ये देखिए, अंदर की तरफ हमें दो फंदे और छोड़ देने। तो इस तरह से 16 फंदों को मैंने दो जगह डिवाइड किया, 4 फंदे बाहर की तरफ बढ़ाए हैं और अंदर की तरफ 8 फंदे छोड़े हैं। उसके बाद मैंने 4 फंदों को दो दो का एक करते हुए यानी घटाते हुए बाहर की तरफ फंदे घटाए हैं और अंदर की तरफ दो दो फंदे वही हम जैसे पहले छोड़ रहे थे वैसे ही हमें छोड़ते हुए जाना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी छोटी वाली कली की बुनाई चलती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दो दो करते हुए सारे 16 फंदे हैं जो छोड़ दिए हैं। अभी हमें एक उल्टी सीधी सिलाई ये निकाल लेनी, यानी सारे फंदे हमें एक बार सारे बुन लेने हैं। तो छोटी वाली कली की बुनाई में हमारे दिल की शेप की कली जो आएगी, तो उसमें आधी कली हमारी ये कंप्लीट होती है, बाकी आधी कली की बुनाई में ये एक सिलाई उतारने के बाद आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए सारे फंदे हमने एक बार बुन लिए हैं। अभी फिर से वही स्टार्टिंग वाली हमारी बुनाई चलेगी। देखिए, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और
इस वाले फंदे पे हमें एक फंदे से दो फंदा कर लेना है। तो सेम जैसे हमने आधी कली की बुनाई करी है वही बुनाई हमारी यहाँ चलेगी। तो देखिए बाहर की तरफ हमने एक फंदा बढ़ाया है और अंदर की तरफ जाते हैं वही दो फंदे हमें यहाँ बिना बुने छोड़ने हैं। देखिए तो वही 16 फंदे हमारे फिर से हमारे पास, तो उन्हें दो दो डिवाइड करेंगे हम। 4 फंदे बाहर की तरफ बढ़ेंगे और 8 फंदे अंदर की तरफ छूटेंगे। उसके बाद फिर हम 2 का 1 करते हुए यानी फंदे घटाते हुए 4 फंदे जो बड़े हुए हैं उनको घटाएंगे और बाकी के जो बचे हुए हमारे 8 फंदे हैं उनको दो दो करते हुए ऐसे ही छोड़ेंगे। तो इस तरह से सेम ऐसे ही बुनाई हमारी इस तरफ आ जाएगी और ये हमारी छोटी वाली कली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर ली है। अभी देखिए मैं आपको आगे की बुनाई यहाँ बताती हूँ। तो अभी पिंक वाले धागे से हमें सारे फंदे जो 16 फंदे हमारे थे छोटी वाली कली के लिए उन्हें एक बार बुन लेना है। तो देखिए तो छोटी वाली कली के दो दो करते हुए जब हम 16 फंदे सारे छोड़ देंगे तो एक सिलाई हमें ये निकाल के लेके जानी है और उसके बाद फिर आगे के जो आधे पिंक वाले फंदे हैं उनसे हमें आगे की कली की बुनाई करनी है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो देखिए पर्पल तक जहाँ तक हमारे फंदे थे वहाँ तक हम पर्पल वाला धागा लेके जाते हैं। उसके बाद हमें पिंक वाले धागे से सारे फंदे जो हमारे 32 फंदे हैं उनको देखिए एक बार मैंने पूरे बुन लिए हैं और इस तरह से हमारी दूसरी कली की यहाँ शुरुआत हो जाती है। तो सेम वही अब बुनाई वही चलेगी हमारी, बाहर की तरफ सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाके दूसरी सिलाई में करेंगे और आखिरी के 2 फंदे यहाँ हम बिना उन्हें छोड़ देंगे। जो देखिएगा आप आगे तो देखिए ये हमारी यहाँ पे दूसरी कली की शुरुआत हो रही है। तो आप यहाँ चाहे अगर दूसरा कलर लेना चाहते हैं दूसरा कलर ले लीजिए, मैं सेम ही कलर से आपको यहाँ बता रही हूँ। तो देखिए 2 फंदे हमने यहाँ छोड़े हैं, 2 फंदे वही आखिरी के छोड़ देंगे बिना बुने हुए। ठीक देखिए 2 फंदे और इधर छोड़ देंगे। तो इस तरह से सेम पहली वाली कली की जैसे हमारे यहाँ बुनाई चलेगी। तो दो दो करते हुए देखिए दोनों तरफ हमें फंदे छोड़ने हैं यानी कि पहले वाले जैसे ही वही बीच तक 16 16 फंदे कर लेने हैं। उसके बाद हमें छोटी वाली कली की बुनाई करनी है। तो इस तरह की डिज़ाइन हमारी आती है। वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।